लेकिन कृष्ण गोवर्धन की पूजा कैसे की जाए, हम तो कभी किए नहीं, हम तो कभी जानते नहीं। कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, अब तक आप जैसे इंद्र की पूजा कर रहे थे वैसे गोवर्धन की करो। ये जितने भी पूड़ी पकवान, ये जो भी व्यंजन बने हैं, ये सारे व्यंजन गिरिराज जी को भोग चढ़ा दो। कृष्ण कहते हैं कि बाबा आज तक इतने सालों से आपने देवराज इंद्र को भोग चढ़ाया, देवराज इंद्र कभी आपके सामने आया? बोले नहीं। आपके भोगों को आपके देखते देखते खाया? कि बोले नहीं। आपको कभी आशीर्वाद आशीर्वाद वरदान दिया? बोले नहीं। बाबा एक बार गोवर्धन की पूजा करके देखो, गोवर्धन को भोग चढ़ा कर देखो, गोवर्धन प्रकट होंगे, भोग खाएंगे, और खाएंगे नहीं सारे भोग खा जाएंगे, और अधिक मांगेंगे, और लाओ अन्न और मधुमंगल आदि जो सकाते कहते बाबा इसकी बात में मत आना, इसका भगवान कोई भिखारी होगा है? नहीं नहीं बाबा मैं सत्य कह रहा हूं। गोवर्धन की पूजा कृष्ण के कहने पर समस्त ब्रजवासी अपने अपने छकड़े पर, अपने अपनी बैलगाड़ी पर बहुत बहुत माल सामान भोग व्यंजन सामग्री को भरकर गिरिराज की तलेटी में पहुंच गए। और जो जो ब्रजवासी अपने घर से भोग लाए थे गिरिराज जी के सामने रखा गया, तो गोवर्धन जितना बड़ा है वैसा ही भोग का, अन्न का एक पर्वत बन गया, जिसे आज भी अन्नकूट कहते हैं। बहुत बड़ा अन्नकूट बन गया, अन्न का पर्वत बन गया। लेकिन प्रश्न खड़ा हुआ कि अब गिरिराज जी को भोग कौन चढ़ाए? तो किसी ने कहा जिसने हमको ये पाठ पढ़ाया है उसी को बोलो। कृष्ण को आगे किया, भाई कृष्ण तू ही भोग चढ़ा दे। एक और गिरिराज जी बैठे हैं सामने, कृष्ण बैठे हैं, दोनों भगवान आमने सामने बैठे हैं और भगवान ही भगवान को भोग चढ़ा रहे हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण गिरिराज जी को भोग चढ़ा रहे हैं और भक्त तो चमत्कार तो ये हुआ कि जैसे ही कृष्ण ने प्रार्थना की तो गिरिराज जी पत्थर के रूप से कन्वर्ट होकर एक मनुष्य के रूप में एक मूर्तिमान स्वरूप प्रकट हो गए। भक्तों 15 साल से कथा गा रहा हूं और ये सब कथाएं बोल रहा हूं कि गिरिराज जी पत्थर से मूर्तिमान रूप में प्रकट हो गए, लेकिन आज तक सोच नहीं पा रहा था कि वो कैसा रूप होगा। ये तो जब कृष्ण गौशाला में आया और यहां पर दर्शन किया तब पता चला कि ऐसा रूप होगा है? लंबी लंबी मूछे और क्या रूप है गिरिराज जी का है? तो जो यहां पर गिरिराज जी का स्वरूप है ठीक इसी स्वरूप में मूर्तिमान रूप में गिरिराज जी प्रकट हुए और जो भोग लगाया गया था गिरिराज जी खाने लगे। खाते खाते कहने लगे अन्न और ज्यादा लाओ, इसलिए उस क्षेत्र का नाम ही हो गया अन्योर। आज भी आप ब्रज में जाओ ना, गिरिराज जी ने कहा अन्न और, इसलिए नाम बना अन्योर। तो गिरिराज जी कह रहे थे कि ये खीर बहुत अच्छी है, ये खीर किसके घर से आई है? तो कोई ब्रजवासी कहता महाराज मेरे घर से। बोले आज मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहिए आपको? बोले महाराज शादी हुई बहुत समय हुआ, बच्चा नहीं हो रहा है, तथास्तु। तो ये पूड़ी बहुत अच्छी है, ये किसके घर से है? बोले महाराज मेरे घर से, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, बहुत सुंदर पूड़ी है, क्या चाहिए महाराज? मंदी चल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, तथास्तु। जो जो लोग जो जो मांग रहे थे गिरिराज जी सबकी मन्नत पूरी कर रहे थे। भक्तों आप सब तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इस संसार में देखिए हम लोग शुद्ध भक्त नहीं है, आप लोग हो सकते हैं, मैं मेरी बात कर रहा हूं। हमारे मन में बहुत सारी कामनाएं हैं, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है, बहुत बहुत इच्छा है। मेरी ये 212वीं कथा चल रही है, मेरी सबसे बड़ी कामना है
कि 1000 कथा समाप्त करके ही शरीर छोड़ना है। इतनी इतनी इच्छाएं लेकर हम घूमते हैं, तो इस इच्छा के लिए हम किसके सामने हाथ पसारे। दुनिया के लोग देवी माता के वहां मन्नत रखते हैं, फलाने के वहां मन्नत रखते हैं, मानता मानते हैं, लेकिन हम वैष्णव कहां जाए। हम वैष्णव के लिए एक ही स्थान है और वो है गिरिराज गोवर्धन। और मेरा अनुभव है भक्तों, जीवन में कोई भी इच्छा क्यों ना हो, गिरिराज जी की आप मन्नत रखोगे, परिक्रमा लगाओगे, गिरिराज जी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, समस्त मनोकामना। और भक्तों को तो सबसे बड़ी मनोकामना शुद्ध भक्ति की होती है, गिरिराज जी शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाले हैं। श्री कृष्ण भावना मूर्त और वैदिक सनातन धर्म की विशेष जानकारी, कथा, प्रवचन, भजन, कीर्तन प्राप्त करें हमारी वेबसाइट पर www.lalgobindas.com। फेसबुक अपडेट के लिए लाल गोविंदास पेज को लाइक करें और व्हाट्सएप अपडेट के लिए संपर्क करें +917506337055। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।